निकल रहा है। और मैंने कहा चलो मैं आपको अपने सफ़र की सारी वीडियो दिखाती हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ एक मैसेज भी शेयर करना चाहती हूँ जो कि मुझे पाकरू ने सिखाया है, वो शायद आप लोगों को भी खुदा का पाकरू सिखाए। कि मैं कलाम में से पढ़ रही थी जो यकूब है, जब वो अपने सारे कबीले को लेकर, अपनी बीवियों को, लौंडियों को और अपने बच्चों को लेकर, जब वो अपने मामू से जुदा हुआ, तो जब वो ईसा से मिला अपने भाई से, तो उसको पहले तो अपने भाई का खौफ था कि यीशु मुझे मार देगा क्योंकि मैं उससे दगा करके आया था। लेकिन जब वो उसने सारी रात अपनी फैमिली से जुदा होकर तो खुदा से दुआ की तन्हाई में, जब हमें भी कोई परेशानी होती है तो हमें तन्हाई में अपनी फैमिली के लिए दुआ करनी चाहिए। तन्हाई में खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, तू अपनी कोठरी का दरवाज़ा बंद कर और अपने खुदावंद खुदा से दुआ कर ताकि वो तेरी सुने और तुझे उसका अजर दे। तो मेरे अजीज़ो, उसने दुआ की, उसने कहा जब तक तू बरकत नहीं देगा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। सुबह पो फूट गई थी और वो दुआ करता रहा था। तो मेरे अजीज़ो, खुदा ने उसके भाई यीशु के दिल में रहम डाला। वो 400 बंदों को लेकर उसको मिलने आ रहा था सामने से, क्योंकि उसने जब अपने नौकरों को भेजा के जानवर और ये चीज़ें लेकर जाओ मेरे भाई यीशु को देना, शायद उसके दिल में मेरे लिए रहम आए, तुम देखना उसका कैसा मजाज है, वो लेता है नहीं लेता। तो वो जब उसके नौकर लेकर गए तो वो उसने अपने भाइयों से, उसके भाई से नौकर उसके जाके मिले, तो यीशु जो है वो बड़ा रहम से भरा हुआ था क्योंकि यकूब ने दुआ की थी। हमारा खुदा खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। तो मेरे अजीज़ों, जब यीशु से वो मिला तो वो झुक कर अपने भाई को उसने सिजदा किया, उसके सामने झुका, ज़मीन तक सिजदा नहीं किया सॉरी, लेकिन उसके सामने झुका और उसे मिला, उन्होंने चूमा एक दूसरे को। और फिर उसके बाद यीशु ने कहा तो मेरे साथ चल, जहाँ मैं रह रहा हूँ मेरी ज़मीनों पर आके वहीं बस। तो उसने कहा कि मेरे साथ बच्चे हैं, तू आगे आगे चल, मैं आता हूँ। लेकिन ये जब जाके एक दूसरे मुल्क में बसे, यकूब ने डेरे लगाए अपने जानवरों के लिए भी अपने लिए भी, तो आप सब जानते हैं बाइबल जो पढ़ने वाले लोग हैं, बाइबल की स्टोरियों से जो मोहब्बत रखते हैं, प्यार करते हैं, वो जानते हैं कि यकूब की जो बेटी थी उसको उस मुल्क के एक बेटे से, लड़के से उसके साथ मोहब्बत हो गई। और जब वो उसके वो लड़के ने अपने बाप को कहा कि मेरे लिए इस लड़की का रिश्ता मांग, तो उन्होंने गुनाह किया शादी से पहले। तो उसने जब उसके बाप ने जाके रिश्ता मांगा, मैं आप लोगों को मोटा मोटा इसलिए बता रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज़ इस स्टोरी को ज़रूर पैदाइश में बाइबल मुकद्दस में से पढ़ना। ये बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है, बहुत ही खूबसूरत खुदा का कलाम है पढ़ना। तो इसके जो बेटे थे यकूब के, यकूब तो मान गया, उसने कहा मेरे बेटे आए, वो घर पे नहीं है, मैं उनसे बात करके फिर मैं आपको बताऊंगा, लड़के के बाप को कहा। तो उसने कहा कि ठीक है, जब इसके बेटे घर पे आए तो इसने अपने बेटों को कहा कि वो ऐसे ऐसे आपकी बहन का रिश्ता मांग रहे हैं। तो उसके बेटों ने कहा कि ठीक है, हम कर लेंगे। तो उसने कहा लड़के के बाप ने कि भई मैं जहेज़ भी दूंगा, अच्छा
मैं हक मेहर भी दूंगा और जो भी होगा तो आप लोगों को, और आप हमारी बेटियां ले, हम आपकी बेटियां, और हम मतलब वट्टा सट्टा जैसे कहते हैं हम शादियां करेंगे, और हम जो है मैं आपको ये सारा मुल्क जो है मेरा, मैं आपको ये ज़मीनें सब आप आबाद हो जाए इधर और इधर रहें, मुझे कोई एतराज नहीं है, और बस हम आपस में रिश्ते करें। तो यकूब ने कहा ठीक है, उसके बेटों ने भी कहा ठीक है, हम एक शर्त रखेंगे कि इन सब के खतने हो, इन सब के खतने, ये सारा सारे जितना भी पूरा मुल्क है खतने करे, हम ये करने के लिए तैयार हैं। जब उन्होंने ऐसे किया तो उन्होंने उसके भाई जो थे लड़की के, यकूब के बेटे जो थे, यहूदा ख़ास तौर पे जो बड़ा था, उसने सबको सलाह दी कि जब इनके खतने होंगे तीसरे दिन ये तकलीफ में होंगे तो हम जो है इनको सबको मार डालेंगे। उन्होंने ऐसे ही किया, सब आदमियों को मार डाला। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे इस चीज़ पर बड़ा दुख हुआ, क्यों क्यों उन्होंने मार डाला। मैं इस चीज़ को सोच रही थी, मैंने कहा खुदा उनके हाथों को रोक सकता था, क्यों उस तरह से हुआ। फिर खुदा ने मुझे इसके लिए हिकमत दनाई बख्शी और मेरे जहन में डाला कि वो उन्होंने, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि यकूब जो था वो मसा किया हुआ था, खुदा ने से मसा किया हुआ था। आप सब जानते हैं जब वो अपने बाप से भागा था बरकत लेके, तो लाबन के पास अपने मामू के पास जा रहा था, तो रास्ते में रात हो गई थी तो वो वहाँ लेट गया था, तो पत्थर पे सर रख के, तो एक सीढ़ी जो आसमान से उतर रही थी, आसमान से लेके ज़मीन तक थी, उस पर फरिश्ते उतर रहे थे जा रहे थे, तो यकूब जो है वो मसा किया हुआ था, इस वजह से उसकी किसी चीज़ को कोई हाथ नहीं लगा सकता था। यीशु को देखें, जो उसको मारना चाहता था, 400 बंदे लेके आ रहा था, उसको भी खुदा ने कैसे उसके दिल में रहम डाला। तो ये जो लड़की थी ये भी, ये यकूब की बेटी थी, खुदा ने उसकी हर एक चीज़ को मसा किया हुआ था। तो उन्होंने उसको छुआ और उससे बदफेली की जो खुदा मना करता है, तो खुदा बाप ने उसको उसकी सजा दी उनको, जिन्होंने वो लड़के ने ऐसे किया, तो उसके लड़कों के दिल में खुदा ने, मैं नहीं कहती कि खुदा ने डाला कि उनको मार दो, लेकिन ये जो भी काम होते हैं हमारी ज़िंदगी में खुदा के फैसले होते हैं, हम सब जानते हैं। बहरहाल वो उन्होंने उनको मार दिया। मेरे जहन ने ये काम किया है इस स्टोरी में कि उन्होंने मारा उन आदमियों को क्योंकि खुदा दिखाना चाह रहा था कि मैं जो है वो उस ज़माने में इस तरह करता था, क्योंकि वो फजल का ज़माना नहीं था। उस ज़माने में यीशु ने अपनी हमारे लिए स्लीप पर जान नहीं दी थी, उस ज़माने में खून का बदला खून था, दांत का बदला दांत था। उस ज़माने में पुराने ऐदनामे को, जब अगर पुराना ऐदनामा, मेरे जहन में उस वक़्त ये आया कि ये स्टोरी क्यों इन्होंने बाइबल में डाली है, इससे कितने लोगों के दिल हर्ट होते होंगे, कितने लोगों के दिल में आता होगा कि क्यों उसने ऐसे किया। फिर मुझे खुदा ने सिखाया कि अगर पुराने ऐदनामे में ऐसे ना होता तो आज यीशु का और फजल के दौर का और उस दौर का आज कोई भी फ़र्क ना होता। आज जब हम पुराना ऐदनामा पढ़ते हैं किस तरह से लोग एक दूसरे को, मैंने आबल को मार दिया, और इस तरह से पूरा बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं किस तरह से खून के बदले खून से लिए जाते थे, मारा जाता था लोगों को। लेकिन अब फजल का दौर जब आया, जब यीशु आया, जब खुदा ने देखा कि दुनिया में इतनी बदी कत्ल व गारत और दुनिया में और कोई रास्ता है ही नहीं है कि लोग जो है एक दूसरे को प्यार करें या एक दूसरे को माफ़ करें, तो मैं जो है वो दुनिया में जाकर दुनिया से दोस्ती करके और मैं जो है
दुनिया को सिखाता हूँ। तो खुदा दुनिया में आया, यीशु के रूप में आया, पाक रूह आया दुनिया में मकदसा मरियम के वसीले से, आकर उसने और आकर उसने अपनी जान दी। उसने हमें दिखाया कि मैंने अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दी। यीशु ने अपनी जान दे दी और यीशु ने अपनी जान देकर यहाँ दुनिया में लोगों को सिखाया कि प्यार करो, प्यार करो। जब वो कान उड़ाया गया बंदे का, तो यीशु ने उसको पकड़ के जोड़ दिया। यीशु ने जहाँ कहीं भी बुराई थी, जकी जो लूट मार कर रहा था उसे उसके घर में जाके खाना खाया, उसको कहा कि चल तू इधर आ, तू मेरे साथ हो, तो उसने उसी वक्त सारे बुरे कामों को छोड़ा, वहीं अपना पैसा हर चीज और खुदा के पीछे आ गया। उसने मसूल लेने वाला था वो, और उसने वहीं पैसा छोड़ा, वहीं सब कुछ छोड़ा। उसने कहा मैं तो यीशु का हूँ, मैं तो उसके पीछे चलूंगा जिसके देखने की मैं इतने सालों से वो दरख्त के ऊपर चढ़ गया। सोचो जब सुना यीशु आ रहा है दरख्त के ऊपर चढ़ गया। तो मेरे जीजो, वो यीशु जिसने आके कहा अपने पड़ोसी को अपनी मानत प्यार करो, अपने दुश्मनों से प्यार करो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, वो फजल का दौर जब आ गया तो यीशु ने आके लोगों को ये फर्क दिखाया कि उस जमाने में और आज के जमाने में क्या फर्क है। आज हम अगर कितने भी हमसे गुनाह सरजद होते हैं, जब हम यीशु के कदमों में आ जाते हैं, उसके लहू में छुप जाते हैं, तो हमारे गुनाह धुल जाते हैं। यीशु हमें माफ कर देता है। वो कहता है कि तुम एक दूसरे के गुनाह माफ करो तो मैं तुम्हारे गुनाह माफ करूंगा। आज अगर हम एक दूसरे को माफ करते हैं तो हमारा यीशु भी हमें माफ करता है। तो मेरे जीजो, इसलिए हमें माफ करना है, हमें एक दूसरे को माफ करना है, एक दूसरे के गुनाहों को बख्शना है और एक दूसरे के को